आरंभ कर दूँ। हाँ, गत काली पिपिली उपनिर्वाचन को आखिआगे रखिकी आमर गोटे प्रतिनिधि मंडल जहाँ अनुध्यान कला पिपिली जहाँ जमापड़ी ये प्रतिनिधि मंडल जाकि इलेक्शन कमिशन को भेटिला एवं ये प्रतिनिधि मंडल रे पूर्वतन मंत्री श्रीजुक्त मनमोहन सामल राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्र एवं अन्य माने भी उपस्थित थिले। गत छ मास हबो डेलांग आईआईसी रश्मिरंजन पटनायक कर बदली होई एसटीएफ को डीएसपी हिसाब रे किंतु छ मास भितरे भी तांको सेठो तंका पदवी को नुआ पदवी को छड़ा जाई नाही कि सी तर डेलांग आईआईसी हबार जो तर दायित्व से मुक्त होना जो भाई भाव में डेलांग आईआईसी कम करक समय रे गत निर्वाचन रे जो माने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करमको हरास करवा फल्स केस करवा जोर जबरदस्ती धमक चमक दबा ताकु विजु जनता दल कम करवा प्रवर्त विजु जनता दल कम करवा ये सब कम डेलांग आईआईसी करुचंती जोटा आमर दृष्टिगोचर है एवं आमे अतीतर भी या कोई प्रेस मीट भी करूँ एवं सीईओ को कम्प्लेन करूँ किंतु एबे जाके कौनसी एक्शन तापर निया गत काली आमे आमर प्रतिनिधि मंडली दाबी कर 24 घंटा भितर डेलांग आईआईसी को बदला जाऊ छ मास काल बदली हेला कौन पाई कहा स्वार्थर तांको डेलांगरे कंटिन्यू करने कि दि जाऊर उत्तर राज्य सरकार रखतु एवं घटना प्रमाणित करुची जे कौली भाव राज्य सरकार भोट हाथवाई कि सरकारी कल को अपव्यवहार करपाई डेलांग आईआईसी को तांको पदवीर रिलीफ कराऊनी नुआ पोस्ट से प्रमोशन पोस्ट इन्स्पेक्टर से डीएसपी एवं हे किंतु से छ मास हम तर प्रमोशन को फोरगो कर डेलांग आईआईसी पदवी रु रिलीफ करा जाऊनी नुआ पोस्ट से जॉइन करना केवल गोटे उपनिर्वाचन अच्छी बोली से जो दबंगिरी चली बीजेपी विरोधी कार्यकलाप चली विजु जनता दल सपक्ष से जो कम करपाई रखाही स्पष्ट मत तेणु यार गंभीरतार सह इलेक्शन कमिशन नेबे बोली आमर आशा एवं 24 घंटा भितर से आईआईसी को सेठु बदली करेंगे नहले अबाध निरपेक्ष निर्वाचन सेठी हबा असंभव।